सबसे पहले हम डिसीजन टेबल की बात करते हैं, तो डिसीजन टेबल आपको जो है ना वो चॉइस देता है ट्रू फॉल्स की बेस के ऊपर, ठीक है। और इसको हम एक सिनारियो के तौर पे चेकआउट करते हैं। कंसिडर अ डायलॉग बॉक्स विच विल आस्क द यूज़र टू अपलोड फोटो विद सर्टेन कंडीशंस। तीन कंडीशंस हमें गिवन है कि आपके पास जेपेक सिर्फ आप अपलोड कर सकते हैं, फाइल साइज़ 100 KB से छोटा हो सकता है, और मैक्सिमम रेजोल्यूशन जो है वो 1024x768 हो सकती है। और अगर कोई भी कंडीशन फेल होगी तो सक्सेसफुल नहीं होगा, और अगर तीनों कंडीशन मीट करेंगी तो ही सक्सेसफुल होगा, ठीक है। ये सब देख के अब हमने क्या करना है, हमने डिसीजन टेबल बनाना है जिसमें हमारे पास फॉर्मेट साइज़ और रेजोल्यूशन की बेस के ऊपर हमारे पास सक्सेसफुल अपलोड को जो है ना वो एग्जीक्यूशन होनी है डिसीजन टेबल फॉर्मेट के अंदर। तो हमने एक टेबल बनाया, ठीक है। अब डिसीजन टेबल में हमारे पास कंडीशंस तीन हैं, तो वो तीन कंडीशंस हमारे पास आ गई, जेपेक फॉर्मेट, साइज, रेजोल्यूशन, ओके एंड सक्सेसफुल अपलोड, राइट। और एट पॉसिबल केसेस हो सकते हैं, एट पॉसिबल केसेस इस तरह से हो सकते हैं क्योंकि हमारे पास तीन कंडीशंस हैं एंड 2³ = 8, तो एट पॉसिबल कॉम्बिनेशन बन सकते हैं। अगर हम फर्स्ट केस लें जिसमें सारे कंडीशंस मीट हो रही हों, तो हम कहेंगे जी तमाम चीज़ें ट्रू हैं, टी तमाम चीज़ें ट्रू हैं। जब तमाम चीज़ें ट्रू होंगी, तीनों कंडीशंस ट्रू होंगी, तो क्या होगा, सक्सेसफुल अपलोड, जिसको हम एक्स से रिप्रेजेंट कर देते हैं कि ये सक्सेसफुल अपलोड हो गया। उसके अलावा हम कोई भी कंडीशन लगाएंगे तो वो सक्सेसफुल अपलोड नहीं देगा, वो जगह हमारी ब्लैंक रहेगी, ठीक है। तो ये हमारा डिसीजन टेबल फॉर्मेट है जिसके अंदर हम जो है वो कोई भी, अगर हमारे पास फॉर एग्जांपल यहाँ पे चार कंडीशंस होती तो हमारे केसेस कितने बन सकते थे जी, कितने पॉसिबल कॉम्बिनेशन बन सकते थे, 2⁴। 2⁴ का मतलब है कि 16 पॉसिबल कॉम्बिनेशंस, ठीक है ना। तो लेकिन इस एग्जांपल में हमने जो है वो थ्री कंडीशंस लेके 2³ 8 पॉसिबल कॉम्बिनेशन में देखा। सो दिस इज़ अ सैम्पल डिसीजन टेबल।